तो बहराइच में दो आदमखोर भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। इन भेड़ियों की तलाश में जुटी टीमें दिन रात कछार के इलाकों में घूम रही हैं। गांव वालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। छह भेड़ियों का झुंड और 47 दिन से आतंक। पुलिस और वन विभाग की 18 टीमें दिन रात भटक रही हैं खेत और खलिहानों में। यह है यूपी के बहराइच में घाघरा से सटा कछार का इलाका। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। थर्मल कैमरे और सेंसर हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चारों तरफ से पिंजरे की घेराबंदी है। ट्रैंकुलाइजर के साथ डॉक्टरों की टीम साथ साथ चल रही है ताकि पकड़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत ना हो। रात में पटाखे चलाए जाते हैं ताकि कहीं भेड़िया छुपा हो तो वो सामने आ जाए। दो दिन पहले चौथा भेड़िया इसी तरह काबू में आया था। ड्रोन कैमरे से जब भेड़िया दिखा तो वहां पटाखे चलाए गए। पटाखे की आवाज सुनकर तीन भेड़िये भागे थे लेकिन इनमें से एक को ही पकड़ा जा सका। कुल मिलाकर इस आदमखोर झुंड के चार भेड़िये तो पकड़ में आ गए लेकिन दो भेड़ियों का अब तक कोई पता नहीं चला है। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, डिफरेंट लेवल पे टीम्स लगी हुई हैं, रेंज लेवल की, डिविजन लेवल की, इंटर डिविजनल लेवल की, और बाहर से भी डीएफओज आए हुए हैं जो कि इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। उनके साथ और भी टीम्स लगाई गई हैं। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी कि सेंट्रल जोन के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डिविजन्स हैं वहाँ से ऑफिसर्स और वहाँ से स्टाफ आकर के टीम यहाँ पे बनाई गई है। तो टीम्स बहुत सारी लगी हैं, लोग बहुत सारे लगे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से कैंप कर रही हूँ और हमारे कंजर्वेटर साहब साथ में कैंप कर रहे हैं, हमारे डीएफओज लगे हुए हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो दो हैं, दो और वुल्व्स बाकी रह गए, उनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ें। करीब 35 गांवों में शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दिन के वक्त भी खेत खलियान की तरफ जाने में लोगों की रूह कांप जाती है। भेड़िया है और गुलबगा भी है, कई तरह के जानवर हैं। तो भेड़िया को आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कैसे, कब, कहाँ देखे थे? इस जगह जहाँ वो हमारी चाची खड़ी, उस जगह मिला था हमको। तो गाँव में दहशत है इसको लेकर, भेड़िए को लेकर दहशत है कि रात भर लोग जागते हैं और जो ज्यादा जाग जाते हैं दूसरे दिन सो भी जाते हैं। गांव में इतने दान मचाते हैं, अभी आज भी रात में यहाँ से वहाँ जंगल तक लेके गए खेत करके, और परसों एक कुत्ते को ले गई, परसों नरसे कुत्ते को ले गई उठा करके। कहीं भी शोर होता है या कहीं भी चाप मिलती है कि इधर आने वाला है या इधर आ गया है तो वहाँ पे तुरंत पटाखे फोड़े जाते हैं। तो क्या होता है पटाखे फूटने से, क्या होता है? पटाखा जैसे इसमें आवाज ज्यादा है सर, तो आवाज सुन के वो भाग जाता है। इस इलाके में भेड़िये हमेशा से रहते हैं लेकिन बस्ती की तरफ आकर इंसानों पर हमला करना उनके स्वभाव में नहीं था। बच्चों पर हमले की एक दो घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक के बाद एक 8 बच्चे और एक महिला को भेड़िये ने मार डाला। महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। बाकी दो भेड़ियों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन अभी बाकी है। गाँव में रात भर पहरा रहता है, दिन भर पुलिस की गाड़ियाँ कछार की सड़कों पर दौड़ती रहती है। बहराइच के आसपास के गाँवों में भी जानवरों के हमले की खबर है। यहाँ भी गांव वालों ने अंधेरे में कुछ जानवरों को देखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने यहाँ आकर लोगों से बात की। इन दो भेड़ियों के पकड़े जाने तक बहराइच जिले के इन गांवों में लोगों को दहशत से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। रामबरन चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, बहराइच आज तक। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ज्यादा अपडेट करेंगे आप सभी को। अभिषेक, अभी भेड़ियों की दहशत गई नहीं कि यहाँ पर बाघ की भी एंट्री हो गई है, सीआरबी प्रकट हो गया है, किस तरह से वन विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या लोग कह रहे हैं, कितना दहशत? देखिए, बिल्कुल भेड़िये का जो प्रकोप है और भेड़िये का आतंक है इस पूरे इलाके में वो आज से नहीं 1.5 महीने से है, और उसके साथ ही साथ अब जब चूंकि कवायद तेज की है प्रशासन इन्हें पकड़ने की, तो अभी तक जो माना जाए 6 भेड़िये का दावा था, 6 में से 4 पकड़े गए हैं, परसों एक और पकड़ा गया था, यानी 4 उनकी संख्या हो गई, लेकिन 2 भेड़िये अभी भी गिरफ्त से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल बाकी जानवरों का भी आतंक नजर आ रहा है, आसपास के जिलों में घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी
प्राथमिकता इस वक्त बहराइच प्रशासन के आगे है। डीएफओस जो लगातार यहां पर काम कर रहे हैं वो अभी तक उन बाकी बचे दो भेड़ियाओं को नहीं पकड़ पाए हैं। आज यहां पर चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर रेणु सिंह भी पहुंची, उन्होंने मुआयना किया। उनका दावा है कि सुबह कुछ मूवमेंट इन दो भेड़ियों का देखा गया है और उन्हें उम्मीद है कि वो इसी इलाके में है कछार के, तो आज और कल में उनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ कुछ बड़ा नहीं लग पाया है। दूसरी तरफ पूरे इलाके में दहशत तो थी ही, लेकिन अब लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है क्योंकि जो भेड़िए हैं वो रात के साए में हमला कर रहे थे, तो ऐसे में लोग अपने घरों में रहे, अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, खुले में ना सोएं, ये तमाम चीजें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ये जरूर है कि चुनौतियां सामने हैं क्योंकि दो दिनों से यहां पर तेज धूप है और धूप में थर्मल इंडिकेटर के जरिए आप ट्रैक कर पाने में दिक्कत होती है। तो टीमें अभी तक उतनी लगी हुई हैं जितनी पहले लगी हुई थी छह भेड़ियों को तलाशने में, या फिर अब जब चार भेड़िए पकड़े गए तो कुछ टीमें कम कर ली गई हैं, या फिर अभी प्रशासन वैसे ही चुस्त दुरुस्त है और रात तक ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुबह 5 बजे से? देखिए, टीमें कम नहीं की गई हैं, लेकिन इलाके जो दायरा है उसे बढ़ाया गया है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है वहां पर टीम पहुंचती है। हालांकि ज्यादातर जगह पर सियार, लकड़बग्घा या किसी अन्य तरह के जानवर की पुष्टि होती है। भेड़ियों को लेकर के कोई बड़ा अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है वन विभाग को, लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि एक थोड़ा मूवमेंट मिला है, तो उसे उम्मीद है कि इसी इलाके में कछार की जहां हमारी मौजूदगी है यहां पर उसके होने की संभावनाएं ज्यादा है। हालांकि अगर इस बात को देखा जाए तो पिछले 4 दिनों से अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, तो एक राहत की बात है। इसीलिए प्रशासन को उम्मीद है कि जिस इलाके में वो कॉम्बिंग कर रहे हैं, जहां उन्हें कुछ सुराग मिल रहे हैं, वहां पर भेड़िया मौजूद है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अगर जैसे ही कोई मूवमेंट होता है तो ये बाकी दो बचे भेड़िए, जिनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कब घेरे में होंगे, उसी की कवायद फिलहाल यहां नजर आ। ठीक है अभिषेक, नजर बनाकर रखिएगा। थर्मल कैमरे भी लगे हैं और तमाम मीडिया के कैमरे भी हैं और वहीं से आप सभी को जानकारी पहुंच रही है। अभिषेक, धन्यवाद आपका। देखिए, भेड़ियों के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जुड़े हुए थे, उन्हीं की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मुख्य वन संरक्षण रेणु सिंह से उनकी बातचीत। कोई तलाश लगातार जारी है, लेकिन आज उनका एक मूवमेंट दिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर रेणु सिंह है। रेणु जी, आज किस तरीके से आप लोग बहुत पास आ गए थे लेकिन निकल गया बाहर, क्या रहा आज? नहीं देखिए, आज इनफैक्ट सुबह वो लोकेट हुए थे, घेरा गया था उनको चारों तरफ से, लेकिन जस्ट अ मैटर ऑफ चांस देयर एनिमल्स वो स्लिप करके निकल गए, बट इसी इलाके में है, उनको ड्रोन से खोजा जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक हम कामयाब हो सकते हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं मैम, क्योंकि कल हम देख रहे थे तापमान इतना बढ़ रहा है, थर्मल के सेंस के थ्रू ही आप लोग उसको पता कर सकते हैं, क्या ये तय है कि भेड़िया इसी इलाके में मौजूद है? नहीं नहीं देखिए, हम लोग जो भी हमें इंडिकेशंस मिलते हैं थर्मल ड्रोन से, उस इंडिकेशंस के आधार पे बताते हैं, और ऑफकोर्स जो लोग बोलते हैं, मान लीजिए यदि लोग आपको बता रहे हैं यहाँ देखा यहाँ देखा, उसको भी हम लोग साइन मानते हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो ऑलमोस्ट इसी इलाके में है और थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, 3-3 थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, दिन में भी चलते हैं रात में भी चलते हैं वो, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जैसे ही लोकेट होंगे हम लोग उन्हें ट्रैंक्विलाइज करने में या कैप्चर करने में जरूर जरूर कामयाब हो जाएंगे। कल कोई सफलता नहीं मिली थी, कल कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं दिखा था, ये भी माना जा रहा है क्योंकि नदी के इलाका भी है, तो क्या वो अपना क्षेत्र भी बदलने की संभावना रखते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इनका जो बेसिकली जो टेंडेंसी होती है होमिंग टेंडेंसी होती है, ये अपने घर से थोड़ी देर के लिए तो जाएंगे बट ये वापस लौटेंगे।